मध्य भारत का प्रमुख हिस्सा, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों की बात करें तो इनमें यमुना, केन, बेतवा आदि प्रमुख हैं। गौरवशाली इतिहास अथवा पृष्ठभूमि के लिए विख्यात यह क्षेत्र तमाम धरोहरों को समेटे हुए है। झांसी का किला, ओरछा का किला, चतुर्भुज मंदिर, जहांगीर महल, ओरछा वन्य जीव अभयारण्य जैसे ऐतिहासिक स्थल इस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र में तमाम विभूतियों को जन्म दिया, जिनमें महोबा का सूर्य मंदिर, कालिंजर का किला, गोस्वामी तुलसीदास, महारानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त एवं मेजर ध्यानचंद हैं। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा उत्तर प्रदेश की स्थापना उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के अंतर्गत 2 मार्च 2010 को माननीय श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के रूप में हुई। बाद में 4 दिसंबर 2014 को यह विश्वविद्यालय बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के नाम से जाना जाने लगा। इसकी स्थापना के पीछे यह उद्देश्य था कि बुंदेलखंड में कृषि शिक्षा, कृषि शोध और कृषि प्रसार, जिसको हम कहते हैं कि टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, तीनों में यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ दिया जाए, यहाँ किसानों को लाभ दिया जाए और यहाँ के लोगों को लाभ दिया जाए। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री पहले से चल रहा था और कॉलेज ऑफ होम साइंस अभी शुरुआत हुआ है। हमारे यहाँ JRS सेल भी खोला गया है और इस साल आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे कॉलेज से 4 विद्यार्थी JRS में सेलेक्ट हुए हैं और 23 ऐसे विद्यार्थी हैं जो अन्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में प्रवेश पत्र पाए हैं। हमारे यहाँ शोध निदेशालय है, जिसमें हमारे यहाँ सहनिदेशक शोध, सहायक निदेशक शोध के माध्यम से और 4 हमारे रीजनल रिसर्च स्टेशन है, जिनके साथ मिल करके हम लोग यहाँ पर शोध का कार्य कर रहे हैं। इस साल उपकार के द्वारा 23 प्रोजेक्ट हम लोगों को देने का, हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन किया है उसमें तय हुआ है और इसके साथ साथ RKY से 7 प्रोजेक्ट हमको इस विश्वविद्यालय को मिला है। तो इस तरह से रिसर्च के जो बुंदेलखंड की जरूरतें हैं कि किस तरह की रिकमेंडेशन कृषि में होनी चाहिए, किस तरह का पैकेज प्रैक्टिस बननी चाहिए, इस पर हमारा शोध निदेशालय काम कर रहा है। हमारा जो विश्वविद्यालय है जिसका शिक्षा, शोध और प्रसार के काम में भाग ले रहा है और मुझे उम्मीद है कि यह जो विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य के लिए बुंदेलखंड में स्थापित की गई है, उस उद्देश्य को पूरा करके अपना नाम बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में रोशन करेगी। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से गाँव को गोद लेकर के किसानों को जो है इनकम को दूना किया जाए, नयुवकों को जो रोजगार लगाया जाए, यह सभी कार्य हम पूरा करने में अवश्य सहयोग करेंगे। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मिल्खा सिंह औलख 13 जून 2011 से 1 मार्च 2015 तक कार्यरत रहे। यह विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में अवतरित हुआ। यह विश्वविद्यालय बांदा शहर से सुदूर लगभग 7 किलोमीटर बांदा कानपुर हाईवे व महोबा बाईपास संगम पर स्थित। विश्वविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 948 एकड़ है, जिसमें 300 एकड़ बिल्डिंग एवं शेष क्षेत्रफल घने जंगल से आच्छादित। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कृषि एवं कृषि से संबंधित विज्ञानों में मानव संसाधन को तैयार करना तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से सुयोग्य ऐसे छात्रों को तैयार करना जिसमें उद्यमता हो, जिससे ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो। अनुसंधान के दृष्टिगत भारतीय कृषि भूमंडल में प्रतियोगी बनाने हेतु अभिनव कृषि तकनीकों का विकास एवं सभी संभावित वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को कृषि की तकनीकों एवं व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु पूर्ण करना, कृषि विस्तार से संबंधित कृषकों हेतु अभिनव कृषि तकनीकियों का प्रसार
एवं उपयुक्त कृषि तकनीकों का प्रमाणीकरण, प्रदर्शन एवं अंगीकृत करना, आधुनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय परिसर में 11 विभिन्न विषयों से संबंधित महाविद्यालय संचालन हेतु प्रस्तावित किए जा चुके हैं, जैसे कृषि महाविद्यालय, उद्यान महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्य महाविद्यालय, प्रबंधन महाविद्यालय, कृषि तकनीकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय, खाद्य विज्ञान महाविद्यालय, मानवीय महाविद्यालय, जो वर्तमान में मूल रूप से कृषि महाविद्यालय, उद्यान महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। कृषि महाविद्यालय जो हमारे बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत है, इस महाविद्यालय में बीएससी कृषि एवं एमएससी कृषि के पाठ्यक्रम संचालित हैं। बीएससी कृषि का जो प्रथम बैच में जो प्रवेश हुए हैं वो 2011 से प्रारंभ हुआ है और हमारी जो इनटेक है वो 60 है प्रत्येक बैच में, लेकिन इस वर्ष वो 120 हो गई। साथ ही साथ बीएससी में 10% जो सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत बढ़ाई गई, साथ ही 5% दिव्यांग के रूप में बढ़ाई गई। इस बैच में अभी फिलहाल 134 सीटों पर प्रवेश इस वर्ष हुए, जिसमें 15% सीटें आईसीआर के द्वारा भी हमारे यहाँ छात्रों ने प्रवेश लिया और इन सभी आईसीआर के द्वारा प्रवेशित छात्रों को एनटीएस की 3000 रुपये प्रति छात्र छात्रवृत्ति भी आईसीआर के द्वारा मिलेगी। हमारे यहाँ महाविद्यालय में 7 पाठ्यक्रम एमएससी स्तर के संचालित हैं, जो हमारा शोध कार्य भी प्रारंभ हुए हैं। एमएससी के जो हमारे छात्र हैं वो विभिन्न जो बुंदेलखंड की जलवायु के अनुकूल जितनी भी हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसके क्या हमारे रिसर्चेबल इश्यू हो सकते हैं उस विषय पर हमारे छात्र काम कर रहे हैं। जो भी चैलेंजेज हमारे बुंदेलखंड में हैं उन्हीं विषयों को टारगेट करके हम शोध कार्य कर रहे हैं। बुंदेलखंड राज्य में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास की आज भी बहुत आवश्यकता है, तो इसी ज़रूरत को देखते हुए हमारे विश्वविद्यालय ने इस शैक्षणिक सत्र 2019-20 से गृह विज्ञान महाविद्यालय आरंभ कर दिया है। महिलाओं की जो देश के विकास में भागीदारी है उसको नकारा नहीं जा सकता, साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और अगर छात्राओं की शिक्षा अच्छी होगी, उन्हें उच्च शिक्षा मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, तो उनका जो विकास में योगदान है साथ साथ जो उनका समाज के विकास में योगदान है उसमें सहायक होगा। इसी उद्देश्य से गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस राज्य की छात्राओं का ज्ञानवर्धन और उनके कौशल विकास के। उद्यान महाविद्यालय बांदा कृषि विश्वविद्यालय का एक पार्ट है। हमारे यहाँ उद्यान महाविद्यालय में 5 विभाग चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, पुष्प एवं भूदृश्यीकरण विज्ञान विभाग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और बेसिक एवं सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट कार्यरत हैं। उद्यान महाविद्यालय शिक्षा, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इस वर्ष हमारे 4 छात्र GRF में फेलोशिप के माध्यम से चयनित हुए हैं और वो आज हमारे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। वानिकी महाविद्यालय बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3रा महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय का उद्देश्य बुंदेलखंड में पर्यावरण को संरक्षित करना, उसका संरक्षण करना और यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक करना है। वानिकी महाविद्यालय के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं, शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार। वानिकी महाविद्यालय की स्थापना 2017 में पहले बैच के इनरोलमेंट के बाद हुई थी। इसमें हमारे पास 50 बच्चे आए थे और वर्तमान में वानिकी महाविद्यालय अपने भवन में स्थापित हो चुका है। यह विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय है, जिसमें छात्र छात्राओं हेतु सुविधा केंद्र, बैंक, शुद्ध पेयजल, जलपान गृह विश्वविद्यालय, वाहन,
छात्रावासों में मेस, क्रीड़ा स्थल एवं छात्रों के ज्ञान वर्धन हेतु पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं की सुविधा प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड को 7 जनपदों क्रमशः चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर एवं जालौन में विभाजित किया गया है, जो कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के प्रसार निदेशालय का मुख्य कार्य कृषकों एवं उनके परिवारों तक, ग्रामीण युवकों तक एवं कृषि से जुड़े हुए कृषि प्रचार कार्यकर्ताओं तक कृषि तकनीकियों का हस्तांतरण करना है। इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रसार निदेशालय की स्थापना हुई है और प्रसार निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न 6 जिले जो बुंदेलखंड के अंतर्गत हैं हमारे पास, वो बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन और झांसी हैं, वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हुई है और हर कृषि विज्ञान केंद्र अपने केंद्र के माध्यम से किसान, ग्रामीण युवकों, प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन, प्रशिक्षण, तकनीकी के लिए OFT एवं अन्य विभिन्न प्रकार के जो एक्सटेंशन के कार्यक्रम है वो चलाता है। हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्र अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भवनों, छात्रावासों में रह रहे छात्र, छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है। बाहर से कोई असामाजिक तत्वों का प्रवेश न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही सुरक्षा का प्रबंध किया गया है एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार अनुशासित रूप से सुरक्षा व्यवस्था समुचित रूप से संचालित की जा रही है। यह विश्वविद्यालय का जो रोल है बुंदेलखंड में कि कृषि के विकास में, शिक्षा के विकास में मेजर भूमिका अदा करेगा और भविष्य में यहाँ पे कि जो छात्र हैं स्पेशली बुंदेलखंड के, वैसे तो भी विश्वविद्यालय में प्रदेश के और देश से बहुत छात्र आते हैं, लेकिन लास्ट कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय में बहुत सारे किसान जो छात्र हैं वो बुंदेलखंड से आए हुए हैं और उनका इससे ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड के छात्रों में किसान और यहाँ पे किसानों में काफ़ी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इनमें विश्वविद्यालय के बारे में बहुत जानकारी लोगों को मिली है और आगे बढ़ने में रोल प्ले कर रहे हैं। बुंदेलखंड के समस्त 7 जनपदों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनका संचालन बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों का मुख्य संदेश सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों को कृषि विकास हेतु नई तकनीकों को पहुंचाना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षित करने हेतु गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय है। छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास की समुचित व्यवस्था है। विश्वविद्यालय में छात्रों के चौमुखी विकास हेतु स्पोर्ट बोर्ड और कल्चरल बोर्ड की स्थापना की गई है। छात्र एवं छात्राओं के लिए स्पोर्ट और कल्चरल प्रोग्राम में भागीदारी के लिए प्रदेश से बाहर व अन्य विश्वविद्यालयों में भी भेजा जाता है। NCC और NSS की अच्छी व्यवस्था विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखी गई है। एंटी रैगिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के सभी साथीगण इन्वॉल्व रहते हैं और समय समय पर उसको कार्य को संपन्न करते हैं। परिसर के भीतर सभी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास है तथा शिक्षकों के लिए टाइप 4 टाइप 3 की स्थापना की गई है। दृष्टिकोण इस विश्वविद्यालय में विजन 2050 तक वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि से संबंधित अनुसंधान में शिक्षा और सहभागिता हेतु उत्कृष्टता की दृष्टि से वैश्विक केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित करता। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 9% वनों के अंतर्गत 50% विभिन्न फसलों एवं शेष अन्य उपयोगी के अंतर्गत आच्छादित है। बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषकों की मुख्य आजीविका वर्षा आधारित खेती है। सामान्य वर्षा वाले वर्षों में
खाद्यान्न उत्पादन में 54.6% अनाज, उसके बाद 32% दालें, 8% तिलहन एवं 5.4% अन्य फसलों की भागीदारी है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से रबी ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्रमशः चना, गेहूं, जौ, मटर, मसूर, अलसी, सरसों एवं सब्जियां हैं। वह खरीफ ऋतु में धान, मक्का, ज्वार, तिल, अलसी, सावा, कोदो, मूंगफली, उड़द, सोयाबीन, मूंग एवं सब्जियां हैं। मवेशी और भैंस पालन एवं छोटे जुगाली करने वाले पशुओं को मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाला जाता है।